हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज हेमराज द ऑनलाइन। वेलकम यू ऑल टू अवर ओन यूट्यूब चैनल लर्न एंड क्रिएट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10। मैं आपको बता दूं बच्चों, इसके पहले हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक ऑलरेडी कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया हो तो उसको जरूर देखिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बच्चे यहाँ पर, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट क्यू कॉमा PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। बच्चे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ठीक है, PQR, और उस क्यू पर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है, और दो साइड का सम हमें 25 सेंटीमीटर गिवन है एंड एक साइड है PQ, उसका वैल्यू मुझे 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है बच्चों यहां से। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है बच्चे यहां पर फिगर है PQR, PQR, ठीक है, राइट एंगल एंगल क्यू पर बन रहा है बच्चे यहां पर, ठीक है। चलिए एंगल पी के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं यहाँ पर। गिवन है अ ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री एंड पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर बच्चे यहाँ पर, ठीक है। एंड ऑल्सो गिवन बच्चा PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बच्चा यहां पर है। और हमें साइन P, cos P एंड tan P एंगल P के रेफरेंस में हमें तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस को फाइंड आउट करना है, क्लियर है। चलिए सो बच्चों सबसे पहले हम जो ये एक रिलेशन दिया है दो साइड का जो सम है, ठीक है, उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है। और PQ कहां है बच्चे यहां पर, PQ ये इसका डिस्टेंस हमें बच्चा 5 सेंटीमीटर गिवन है, क्लियर है। चलिए तो बच्चा मुझे दो साइड अभी मिसिंग है, ठीक है, हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर जो है मिसिंग है। सो उसको सबसे पहले फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करने के लिए बच्चा पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। सो एंगल पी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बच्चा, पी क्यू इज सॉरी क्यू आर इज अ परपेंडिकुलर एंड ये पी आर हाइपोटेनस एंड पी क्यू इज अ बेस, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया हमने साइड को। अब यूज करते हैं बच्चा पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चे यहाँ पर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस यहाँ पर क्या बच्चे यहाँ पर, हाइपोटेनस क्या है पी सॉरी क्यू आर, ठीक है, क्यू आर इक्वल टू हाइपोटेनस या आर क्यू ले लो, ठीक है, ठीक है, क्यू आर बोलो या आर क्यू ले बात एक ही है, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर सॉरी हाइपोटेनस बोलो सॉरी माय मिस्टेक, हाइपोटेनस क्या बचे यहाँ पर पी आर, ठीक है, सॉरी गड़बड़ हो गया, हाइपोटेनस बचे यहाँ पर पी आर स्क्वायर, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर बचे यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज तो यहाँ पर क्या होता है मुझे ये वाला जो टर्म है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देता हूँ क्यू आर स्क्वायर को, तो ये क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर क्या होता है बच्चा 25, ठीक है। बच्चे यहाँ पर आप नोटिस कीजिए ये जो एक आइडेंटिटी हमने पढ़े हैं कौन सा आइडेंटिटी बच्चे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चे यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या है ये इसी आइडेंटिटी जैसा दिख रहे हैं हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल। तो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा ये पी आर माइनस क्यू आर इंटू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, क्लियर है।
अगर बात करें क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेम, ठीक है, तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो मैं पी आर प्लस क्यू आर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर डायरेक्ट 25, ठीक है। सो पी आर माइनस क्यू आर इंटू 25, ठीक है, इक्वल टू 25 ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है, ठीक है। ये कहां से आप यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर अपन को क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अच्छा तो ये पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू कितना होता है बच्चा, 25 डिवाइड बाई 25 दैट इज 1, ठीक है बच्चा। यहाँ पर पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसको हम फिर से लिख लेते हैं, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चा, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक। अब बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखिए, मुझे अभी तक से दो साइड अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पाया हूं मैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज भी फाइंड आउट नहीं कर पाया हूं, लेकिन मेरे पास दो रिलेशन आ गया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2, उन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। सो नाउ वीडियो को पॉज करके पहले बच्चों नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए सो बच्चे यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। सो बच्चे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, पी आर प्लस क्यू आर प्लस लेफ्ट हैंड टू लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, ठीक है। तो ये पी आर माइनस क्यू आर एंड राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड ऐड होगा, तो ये लेफ्ट राइट हैंड साइड क्या बचे यहाँ पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 25 है और इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड 1 है, ठीक है। चलिए तो देखिए बच्चे यहाँ पर क्यू आर, यहाँ पर प्लस क्यू आर है, यहाँ पर माइनस क्यू आर है, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पी आर है बच्चे, यहाँ पर भी पी आर है, दोनों सेम साइन वाले हैं, ठीक है, तो सेम साइन में बच्चे एड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 पी आर इक्वल टू 25 प्लस 1 दैट इज 26, क्लियर बच्चे। यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2 × 3 = 6 = PR = 13 cm, क्लियर बच्चे। यहाँ पर अब मुझे दो साइड मिल गया बच्चा, परपेंडिकुलर है ना, क्यू आर साइड बच गया, तो क्यू आर बच्चों में इक्वेशन नंबर 2 से भी निकाल सकता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। सो किसी भी वैल्यू, किसी भी क्वेश्चन में इस पी आर वैल्यू को पुट कर लीजिए, देन थर्ड साइड निकाल लीजिए, ठीक है। चलो हम कोई से क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं, चलो हम इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट कर लेते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर इन इक्वेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, देन वी विल गेट क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर पी आर, पी आर कितना बच्चे 13 माइनस क्यू आर इज इट इज लिखा मैंने बच्चे यहाँ पर इक्वल टू राइट हैंड साइड कितना है 1, ठीक। तो क्यू आर को मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देता हूँ और 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर 13 माइनस 1 इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस क्यू आर है, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर प्लस का क्यू आर हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में प्लस का 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड में आगे क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 13 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पर 12 इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू कितना आ गया बच्चे यहाँ पर, क्यू आर का वैल्यू आ गया, इसको मैं फिर ऐसा लिख सकता हूँ, रीअरेंज कर लेता हूँ, ठीक है, क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे यहाँ पर तीनों साइड मुझे मालूम हो गया, ठीक है, क्यू आर है बच्चे यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तीनों साइड मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है बच्चे यहाँ पर, जो क्वेश्चन में मुझे बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चे, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, ठीक है। तो चलिए बच्चा फाइंड आउट कर लेते हैं, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए देखिए बच्चे यहाँ पर
तो फर्स्ट है बच्चों साइन पी, फर्स्ट पार्ट है बच्चों पर साइन पी फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट साइन पी का रेशियो क्या होता है बच्चों, मतलब साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बच्चों पर हाइपोटेनस, ठीक है। सो दियर परपेंडिकुलर क्या बच्चे यहाँ पर, परपेंडिकुलर इज व्हाट, क्यू आर, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या बच्चे यहाँ पर, क्यू आर एंड हाइपोटेनस पी आर, हाइपोटेनस का बच्चा पी आर, ठीक है। सो साइन पी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे पर, क्यू आर का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड पी आर का रेशियो, पी आर का वैल्यू कितना बच्चे यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो हमारे पास में आ गया बच्चे यहाँ पर साइन पी इक्वल टू 12/13, ठीक है, ये आ गया बच्चे यहाँ पर पहला का आंसर, ठीक है। सेकंड का आंसर निकाल लेते हैं बच्चे यहाँ पर कॉस पी, कॉस पी, कॉस पी इक्वल टू, तो कॉस पी का रेशियो क्या होता है बच्चे यहाँ पर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस क्या बच्चे, इस ट्राइंगल में बेस है बच्चा पी क्यू एंड हाइपोटेनस बच्चे यहाँ पर पी आर, ठीक है। पी क्यू का वैल्यू क्या बच्चा, पी क्यू का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड पी आर, पी आर का वैल्यू बच्चे यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कैंसिल आउट, देन कॉस पी का रेशियो आया बच्चे यहाँ पर, कॉस पी का रेशियो आया 5/13, दैट इज योर आंसर, ठीक है। एंड लास्ट वन इज टेन पी, टेन पी, टेन पी का रेशियो क्या होता है बच्चे यहाँ पर बताइए मुझे, टेन पी, टेन पी, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बच्चे यहाँ पर, बेस, ठीक है। सो परपेंडिकुलर इज व्हाट, क्यू आर इज अ परपेंडिकुलर, क्यू आर इज अ परपेंडिकुलर एंड बेस इज पी क्यू, ठीक है बच्चे यहाँ पर। क्यू आर की वैल्यू कितना है बच्चे यहाँ पर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड पी क्यू का वैल्यू बच्चे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर टेंसर आउट, तो हमारे पास में रेशियो आ गया बच्चे यहाँ पर 10p = 12/5, ठीक है, दैट इज योर आंसर, ठीक है बच्चे यहाँ पर। इस तरह से बच्चा क्वेश्चन नंबर जो 10 है कंप्लीट होता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके बच्चे इसको नोट डाउन करिए, ठीक है, देन हम लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, है ना, एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चे यहाँ पर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है बच्चा कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी आपको करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं बच्चे यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है, चलिए देखते हैं भाई, 10a इज लेस देन 1 बोल रहे हैं बच्चे यहाँ पर, ठीक है। सो 10a का रेशियो क्या होता है आपको पता है बच्चा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज लेस देन 1, अच्छा मतलब जो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बी बेस होगा वो लेस देन होगा 1 का, है ना। तो बच्चा एक बात बताओ मुझे, लेट सपोज मैं ट्राइंगल, ट्राइंगल की बात करता हूँ यहाँ पर, है ना, ए बी सी, ठीक है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में बच्चा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये अपना बेस हो जाएगा, ये अपना हाइपोटेनस हो जाएगा। तो लेट सपोज बच्चा परपेंडिकुलर कितना है, मैं मान लेता हूँ परपेंडिकुलर बच्चा यहाँ पर 15, ठीक है, एंड बेस है बच्चा यहाँ पर 10 ले लेता हूँ, ठीक है, 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट करके देखता हूँ बच्चा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर इज लेस देन 1, ठीक है, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 15/10 इज लेस देन 1 हो गया, मतलब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1.5 इज लेस देन 1 आ रहा है। तो यहाँ पर बच्चे यहाँ पर 1.5 बड़ा नंबर है, ठीक है, 1 तो छोटा है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ दोनों में कंपेयर करूँ तो 1.5 इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, बट यहाँ पर स्टेटमेंट 1.5 इज लेस देन 1 है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स स्टेटमेंट है ना, जो स्टेटमेंट जो बोल रहे बच्चे तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, ये फॉल्स हो जाएगा,
ठीक है, हमने अपने आंसर को जस्टिफाई भी कर दिया है कि कभी भी बच्चा यहाँ पर परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो रेशियो है वो कभी भी एक वन से कभी भी छोटा नहीं हो सकता, वो बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं बच्चे यहाँ पर सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या कहता हूँ यहाँ पर, से ए इक्वल टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है बच्चे यहाँ पर, सेकंड पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, से ए इक्वल टू 12 अपॉन 5। ठीक है, तो एक बात बताइए से ए का रेशियो क्या होता है बच्चा, से ए रेशियो क्या होता है? आपको पता है कॉस ए का रेसिप्रोकल, कॉस ए का रेसिप्रोकल से के होता है, और कॉस का रेशियो क्या होता है बच्चा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो से कॉस का रेसिप्रोकल है तो से का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पर, ये से ए इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस इक्वल टू 12 अपॉन 5। ठीक है, अगर मैं इसी एंगल की बात करूं बच्चे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या बच्चे यहाँ पर 12 है, ठीक है, और बेस क्या बच्चे यहाँ पर एंगल ए की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये अपना बेस हो जाएगा बच्चे ये, ठीक है, 5। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर हाइपोटेनस क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है। ठीक है, हाइपोटेनस क्या बच्चे यहाँ पर ग्रेटर है और बेस लेस देन है ना, किससे, हाइपोटेनस से। सो पॉसिबल है बच्चे यहाँ पर कि अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूँ, ठीक है, और मैं परपेंडिकुलर फाइंड आउट करूँ तो परपेंडिकुलर भी हाइपोटेनस से लेस होगा। ठीक है, तो लेस होगा मतलब हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन है ना इन बोथ साइड। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर बेस से, ठीक है, दोनों से क्या है बच्चा, ग्रेटर देन है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या बच्चा, ग्रेटर है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर थर्ड पार्ट की। कॉस ए इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है बच्चे यहाँ पर देखो बच्चा, आपको मैं ऑलरेडी मैं इसको स्टार्टिंग क्लास में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस का एब्रिविएशन मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, कॉस ए का एब्रिविएशन हमने डिस्कस किया था बच्चे यहाँ पर, कोसाइन ऑफ एंगल ए होता है। ठीक है, और कोसेकेंड, ठीक है, कोसेकेंड मतलब क्या होता है यहाँ पर, कोसेक, कोसेक ए। ठीक है, कोसेक ए का एब्रिविएशन होता है यहाँ पर कोसेकेंड ऑफ एंगल ए होता है, बट यहाँ पर तो मुझे अलग दिया बच्चे यहाँ पर, कोसेक इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंड बोला गया है, तो दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है बच्चे यहाँ पर, फोर्थ पार्ट है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए कॉट एंड ए। ठीक है बच्चे यहाँ पर बोला गया है कि कॉट जो है, कॉट ए जो है ना, ये दोनों प्रोडक्ट है बोल रहे हैं, कॉट इंटू ए है बोल रहे हैं, क्या स्टेटमेंट ट्रू है? तो मैंने आपको बताया था बच्चा, नोट करके लिखाया था आपको, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस में ये जो है कॉट और ए अलग अलग अगर मैं कर दूं इसको, कॉट एंड ए को अलग कर दूं, तो ये मीनिंगलेस हो जाता है बच्चे यहाँ पर। ठीक है, ओनली ये सिंगल वर्ड होता है बच्चा कॉट ए, जिसका मीनिंग होता है बच्चे यहाँ पर कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए होता है। ठीक है, मतलब ये जो ए ए है बच्चा, वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और कॉट क्या बच्चा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बच्चा कॉट ए, मतलब एक कॉट ए किसी रेशियो की बात कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने डिस्कस किए थे, वो उसमें से कॉट ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, बट अगर मैं सिंगल कॉट की बात करूँ और ए की बात करूँ बच्चे, तो ये मीनिंगलेस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चे ये दोनों प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं लास्ट पार्ट की, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। ठीक है, अगर बात करते बच्चे एक राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, एंगल सी में मान लेते बच्चे थीटा एंगल है। ठीक है, तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है बच्चे, मुझे बताइए। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो क्या होता है, 4/3। तो आप खुद देख सकते हैं बच्चा कि परपेंडिकुलर जो है ग्रेटर है एस कंपेयर टू हाइपोटेनस। ठीक
ठीक है ना। तो हाइपोटेनस कभी भी छोटा हो सकता है क्या, बताइए मुझे। हमने डिस्कस किए थे कि जो जो लॉन्गेस्ट साइड होता है दैट इज हाइपोटेनस, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज हाइपोटेनस। सो बच्चों यहां पर तो ये स्मॉलर नंबर है, ठीक है, हाइपोटेनस तो छोटा दिखा रहा है, तो ये तो पॉसिबल है क्या? अगर ये 4 है और ये 3 बोल रहे हैं तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चे, ये फॉल्स हो जाएगा। कि अब हम जानते हैं बच्चा, वी नो दैट हाईएस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज हाइपोटेनस, ठीक है। हाईएस्ट साइड ऑफ है ना, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज क्या होता है बच्चे, यहाँ पर हाइपोटेनस होता है। तो इस तरह से बच्चे यहाँ पर हमने लास्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो क्या करना है बच्चे, आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। थैंक यू क्लास।